ऐसा हमार भैया जी के अपने माटी से इतना प्यार बा, अपने लोगन से इतना प्यार बा, अपने गांव से इतना प्यार बा, तंगली तो तू सही आदमी के बेटा करवा, जितना प्यार तो के आजमगढ़ से उतना प्यार हमू के आजमगढ़ से। तंगली थोड़ा तो हमारे साथ और हमारे और अभी मैदान में तीन प्रत्याशी हुआ, एक हुआ गुड्डू जमाली जी, एक हुआ धर्मेंद्र भैया और एक हुआ हमार। तो हमार का कोनो लड़ाई ना है, यहाँ युद्ध लड़ना है। तीनों आदमी आ भैया सेवा करे का मौका मांगे खातिर डेढ़ साल बचल। अब आजमगढ़ के फैसला करे के कि केकर सेवा करे का मौका देवक मन है, केकर देवक मन। अगर आप लोग धर्मेंद्र भैया के मौका देवा वो सेवा करियो, अगर गुड्डू जमाली जी के मौका देवा वो सेवा करियो, अगर हमके मौका देवा लोग तो हम सेवा करो। यहाँ कोनो लड़ाई लड़े ना आ लैया, सेवा करे आ लैया। और कारण यह कि पूरा भारत नया भारत बन गए और लगातार विकास होता, खाली अमन का आजमगढ़ पिछड़ गए। कबो आप लोग जेबा घूमे फिरे खातिर के बनारस, तब बनारस देखवा लोग तो कहा कि वाह इतना सुंदर बनारस। हम गाना गोले रहनी वो आजकल चाप की वजह से, ए राजा हम के बनारस घुमाए दा, आजकल खूब बजत है ना, वो बजले का कारण ही है। तू तो हम 20 साल पहले बोल रही, आज का ही बजत है। आज ऐसे बजत है कि बनारस घूमने लायक मोदी जी बना दिले हुआ, देखा लायक बना दिले हुआ, विश्वनाथ बाबा का दर्शन करे लायक बना दिले हुआ, देखवा दे तो उनको मन खुश हो जाएगी। वाह वाह रे भारत माता का सपूत। आज हम गढ़ के भी अगर कोई सही सजावे के है, जैसे बनारस सजल है, जैसे गोरखपुर सजल है, गोरखपुर देख ले वालों 5 साल पहले क्यों देख रहे हो गोरखपुर, आज देखी तो भरोसा ना हो कि गोरखपुर है। इतना बढ़िया योगी जी बना दिले हुआ। और कल जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आजमगढ़ में, तो मंच पर हम उनसे यह बात कहली योगी जी से कि 1.5 साल बचल है, हम भैया बहनी लोग से जाके मौका तो मांगे थे कि हमकी सेवा करे के वो अवसर दे डालो, 1.5 साल में हमारे परीक्षा दे डालो, अगर हम बढ़िया करो तो ठीक है, ना बढ़िया कर पाए तो हटा दिया लो, फिर तो चुनाव है 1.5 साल बाद। तो हम कहनी कि जो हम वादा करते जो हम दावा करते वो 1.5 साल में हम तब कर पाए जब प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी आजमगढ़ के ऊपर विशेष कृपा करके और यहाँ फोकस करके काम करिए, लोग तब 1.5 साल में हो पाए। तो योगी जी मंच से कहना कि खाली फोन कर देना, एक पत्र लिख देना, आजमगढ़ का कोई काम रुकेगा नहीं, तुरंत आजमगढ़ का काम होगा। इतना मंच पर बोल के गए मुख्यमंत्री जी, तो हमारे कहे का मतलब इतना भैया, जैसे हमारे ओम प्रकाश यादव भैया का मन है कि अपने गांव खातिर कुछ करी, अपने लोगन खातिर करी, जैसे दुर्विजय चाचा आज पूरा जीवन एक सेवा में लगा देना, लगातार सेवा करत हुआ, वैसे ही हमारो मन हुआ सेवा करे के, कहें कि बहुत आशीर्वाद प्यार देने वालों और तोहनों का आशीर्वाद प्यार पाके यही गांव देहात में रहे वाला लड़का, गाय चरा वाला लड़का, आप लोग के आशीर्वाद से मौका मिले फिल्म में हम चल गई वहां काम करे लगी, और वहां भी आप लोग को मान सम्मान रख रहे हैं, वहां भी आप लोग का डंका बजोले हैं, जहां जाइला वहां लोग कहेंगे कि ये रहुआ आजमगढ़ वाला, अरे आजमगढ़ वाला ही रहुआ। सिर्फ भारत में ना, दुनिया के कोनो कोना में अगर लंदनों चल जाएगा शूटिंग करे, ओ माय गॉड ये रहुआ आजमगढ़, ओ हाँ सर, यस यस यस, आजमगढ़ का डंका बजोले हैं पूरा दुनिया में, आप लोग का मान सम्मान कहीं से घटे ना दिले हैं, यहां भी मौका देवा लो तो यहां भी तोहन लोग के निराश ना करो। और अगर चाहते हैं कि जैसे नया भारत का निर्माण भय पूरा भारत तरक्की करा था, उससे आजमगढ़ भी तरक्की करे, तो 23 तारीख के कमल का बटन दबा दिया लो भैया, और अपने बेटा अपने लाल अपने पूर्वांचल के लाल निरहुआ को जिता दिया लो। और अगर निरहुआ यहां से जीती तो हम आप लोग के बतावत हुई कि पूरे भारत में आजमगढ़ का डंका बजी और आजमगढ़ के लोग जहां भी जो है लोग देख के गए, आजमगढ़ है कमाल वालों को लोग
आखिरकार खिला देला लोग कमल। तो भैया ये भैया कमल के बटन दबैया, बहू हो कमल के बटन दबैया, सोच में तनी को न टाइम गवैया, चाचा हो कमल के बटन दबैया। कमल के बटन दबा दिया लो, और हम वादा करते हैं कि आप लोग के हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहो, जहां खोलवा लोग तहां खड़ा रहो। अब एक बार प्यार से सबके उदय आनंद करने सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण।